हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करके कैसे ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन बाइंग की जा सकती है। और जो कल मैंने वीडियो डाला था, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि वो पेड था तो क्यों बताया हम लोगों को, ऐसा ये सब कुछ था। तो ठीक है, मैं आपको पेड जो इंडिकेटर था मेरा, जो मैं पेड बैचेस में अपने सिखाता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसकी सेटिंग्स क्या रहेगी, ट्रेड कैसे करोगे, वो सब कुछ इन डिटेल्स में आगे होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको पूरा वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग जो है ना, वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो आपको सही जगह पर एंट्री, सपोर्ट लेवल निकालना, रेजिस्टेंस लेवल निकालना, सपोर्ट पे बाय करना, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना, या फिर रेजिस्टेंस पे सेल करना, सपोर्ट पे आके प्रॉफिट बुक करना, ये कैसे आप सीख सकते हो, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इन डिटेल्स में ये वीडियो होने वाला है एलटीपी कैलकुलेटर का पूरा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको प्रीमियम, मेरे जो इंडिकेटर्स मैं सिखाता हूँ, प्रीमियम बैच जो है मेरी, उसका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कंटेंट जो है इंडिकेटर्स का, वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है मुझसे इन डिटेल्स में, देखिए, क्योंकि आप एक ट्रेनर से नहीं सीख रहे हो, आप एक ट्रेडर से सीख रहे हो। मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि खुद तो खुद क्यों नहीं ट्रेड करता, अगर इतना नॉलेज है तो फिर फ्री में क्यों नहीं सिखाता। देखिए, फ्री के कंटेंट की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। आज तक आप लोगों ने मेरे इतने वीडियोज देखे, कितने लोगों ने पैसा बनाया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्री के कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। ये मेरा पोजिशन अभी चल रहा है फिलहाल के लिए, कुछ 6,900 के आसपास इसमें आज का जो प्रॉफिट है वो एड ऑन हुआ है। ठीक है, तो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं करता और आपको खाली ज्ञानबाजी दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता या फिर मैं कोई पोजिशन नहीं लेता अपनी वाली, तो मेरे भी ट्रेड्स होते हैं। मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो आप मुझसे सीख रहे हो। ठीक है, तो आपको जो लर्निंग होगी वो हार्डकोर ट्रेडर की लर्निंग ही मैं सिखाने वाला हूँ। जो जो मैंने अपने आ, 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 कई सालों में एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पहले एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ बढ़ते हैं कि आप कैसे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। एक सेटअप में आज आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सिनारियो रीड करने की बात, ठीक है। अब सिनारियो रीड करना इतना भी आसान नहीं होता, ये बहुत सारे सिनारियो जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इसमें कुल मिला करके आपको 9 सिनारियोज दिखते हैं, इसी में से मार्केट जो है वो चेंज होता रहता है। इन बिटवीन इन्हीं में जो सिनारियोज है वो चेंज होता रहता है। अगर अभी की बात करूँ, करंटली, तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट जो है वॉल्यूम का वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो रजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स क्या दिखाई दे रहा है, बॉटम दिखाई दे रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 22,200 से 22,100 तक जो है वो मुझे वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है। अब ये सिनारियो भी हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में बना होगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सपोर्ट कहाँ पर है, ये रहा सपोर्ट, और स्ट्रॉन्ग कितनी जगह पर है सपोर्ट, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि बॉटम की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब यहाँ इस तरीके का एरो हम लोगों को देखना है। तो एरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो हम लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। तो ऐसे में हम लोगों को पुट का ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। पर क्या अभी हम लोग तुरंत ही पुट का ट्रेड ले ले यहाँ पर हम लोगों को, तो नहीं, हम लोगों को एक्सटेंशन का वेट करना है। एक्सटेंशन रजिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस का वैल्यू भी निकल करके आ जाता है, जो कि 22,223 पर दिखा रहा है। तो एक लाइन जो है 22,223 पर हम लोगों को लगा लेनी है, 22,223, ठीक है। ये रहा 22,223 का एक लाइन जो कि रेजिस्टेंस का है, ठीक है, रेड कलर का एक लाइन जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट जाने से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में पुट का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग की बात करते हैं, इतना सिंपल है कि ट्रेडिंग को करना। मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में हम लोगों को डेटा प्ले करना है, तो यहाँ पर HD लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक करना है, और क्या सिनारियो मॉर्निंग में बन रहा था वो चीजें हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। तो बेस्ट टाइम क्या रहेगा डेटा रीड करने का, तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम जो है वो 9:30, ठीक है। मॉर्निंग से आप डेटा देखो, लेकिन डेटा को स्टेबल होने में,
टाइम लगता है। तो 9:30 9:35 तक आप डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसके बाद जो अपना ट्रेड का डिसीजन जो है वो 5 से 10 मिनट में आप उसके बाद ले सकते हो मॉर्निंग ट्रेड का। तो 9:19 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये बॉटम से, ठीक है, ये बॉटम से टॉप पर आया है और ये भी बॉटम से टॉप पर आया है, क्योंकि कल का डेटा जो था वो वीक टूवर्ड्स टॉप था और अभी ये टॉप की तरफ शिफ्टिंग जो है वो हो रहा है। लेकिन मोटा मोटी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये 22,200 का रेजिस्टेंस, 22,100 का सपोर्ट है, ठीक है। तो 22,100 का सपोर्ट था मॉर्निंग में, यहाँ पर 22,019 के पास हम लोगों को ट्रेड जो है वो देखने के लिए मिला। 22,019 कहाँ पर है, तो यहाँ कहीं पर है, एक मिनट, ठीक है, 22:77, ठीक है, कितने बज रहे हैं, 9:23, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। फिलहाल का जो ट्रेड था वो सपोर्ट का, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का यही पर था, ठीक है। तो मार्केट ने जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 75-77, 22,075, 22,080 का जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो मॉर्निंग में हम लोगों को दिखाया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया है वो कहीं ना कहीं 22,080 22,077 के पास आ सकता है, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड जो है वो बनेगा, तो एक बाइंग का ट्रेड जो है हम लोगों को बिल्कुल जाता हुआ दिखा। अब सेलिंग का ट्रेड जो है ना वो 22,223 पर जाने के बाद हम लोग एक बार सोच सकते हैं। तो ये जो दो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है, इससे हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनेगा। तो ये हम लोगों को अभी मॉर्निंग का डेटा कैसे दिखाई दे रहा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम, वीक टूवर्ड्स बॉटम, इसका मतलब ब्लड बाथ आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये वीक टूवर्ड्स बॉटम मतलब क्या है, ओरिजिनल वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मार्केट तो जो कल बुलिश था उसमें मार्केट ने वीक टूवर्ड्स टॉप का सिनारियो दिखा करके जो शिफ्टिंग हुई है ये वो शिफ्टिंग है 100% वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए अभी वीक टूवर्ड्स बॉटम का जो परसेंटेज है 79 है, ये परसेंटेज गेम ऑफ परसेंटेज डाइवर्जन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0 ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तब जा करके आपको जो है वो ट्रेडिंग का जो आइडिया है वो आने वाला है, ठीक है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओगे, कॉल पुट की बाइंग या फिर सेलिंग कर पाओगे, और उसके लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 महीना आपको सीखने के लिए लगेगा इस चीज को। और मैं इन डिटेल्स में सिखाता हूँ अपने कम्युनिटी बैचेस में कि कौन सा सिनारियो कैसे रीड करना है, ठीक है। अभी ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये 78% हुआ, देखिए परसेंटेज धीरे धीरे कम होगा, पर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम, अभी वैसे भी ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, और ये बॉटम से क्या हुआ है, टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है 22,000 से 22,100 पर, क्योंकि मार्केट जो कल था 21,900 से ऊपर की तरफ भागा है, तो वीक टूवर्ड्स टॉप बनते बनते ये शिफ्ट होते होते ऊपर आया है, तो ये फिर येलो कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 78 का 76% हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना है और ट्रेडिंग को देखना है, करना है इस तरीके से, ठीक है। तो सीखने के लिए आपको टाइम और एफर्ट्स और मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही आप अपने आप में नहीं सीख जाओगे। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी ज्वाइन बैच कर लो। और कल जो लोग कमेंट कर रहे थे, नाराज थे कि पेड इंडिकेटर हम लोगों को क्यों बताया, ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को वो इंडिकेटर का जो सेटिंग है और उसको कैसे ट्रेड करना है वो जो है अभी हम उसको रिवील करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मेरा प्रॉफिट जो है वो करीब करीब आपको दिखाई दे रहा होगा इतना हो चुका है, 7,200 का अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो आप ट्रेडर से सीख रहे हो, ट्रेनर नहीं हूं मैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली सीखते। तो वो दो इंडिकेटर हम लोगों को यूज करने हैं, कौन से वो दो इंडिकेटर है, प्रीमियम कंटेंट में आपको देने जा रहा हूं। तो पहला इंडिकेटर है यूटी बॉट, ठीक है, यहां पर आपको सर्च करना है यूटी बॉट, ठीक है, यूटी बॉट हम लोगों ने लगा लिया। दूसरा इंडिकेटर हम लोगों को अभी सर्च करना है हाफ ट्रेंड, ठीक है, HALF ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, ये एवरग्रेट का है, ठीक है, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लीनियर रिग्रेशन कैंडल, ठीक है, हाफ ट्रेंड का भी मैंने बना बना बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है, ये नहीं बताया था लीनियर रिग्रेशन का, मैंने प्रीमियर बैच में बताता हूँ, तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाऊ, तो लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये नहीं बताया था, कल का वीडियो है लिनियर रिग्रेशन का, तो ये अभी मैं आपको रिवील करने जा रहा हूं। तो लिनियर रिग्रेशन जो है उसके लिए हम लोगों को ओरिजिनल कैंडल जो यहाँ से हाइड करनी पड़ती है, ओरिजिनल कैंडल हम लोगों ने हाइड की,
अब वो कैंडल जो लिनियर रिग्रेशन का जो स्मूथ मूविंग है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसका कलर व्हाइट हो चुका है। तो इसका कलर हम लोग को क्या करना है, ब्लैक कर लेना है उसको, थोड़ा सा थिकनेस हम लोग कर देंगे। तो ये वो इंडिकेटर है, इसकी अब सेटिंग क्या करनी है वो हम लोग जान लेते हैं। तो यूटी बॉट हम लोगों ने लगाया था जो कि बाइंग सेलिंग का सिग्नल दिखाता है हम लोगों को, उसको आपको सेटिंग में जाकर के ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है इसको अनटिक कर देना है, और बार कलर जो है उसको अनटिक कर देना है। हम लोगों को बाय सेल सिग्नल चाहिए, बाय वाला बिलो द बार, सेल वाला अबव द बार, ये सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में जाने के बाद जो की वैल्यू है उसको 1 पर सेट करना है, और जो एटीआर पीरियड है उसको 2 का सेट करना है, और यहाँ पर डिफॉल्ट में जाकर सेव एज डिफॉल्ट करके ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। आपका यूटी बॉट का सेटिंग हो गया। ठीक है, लिनियर रिग्रेशन कैंडल्स के सेटिंग में जाना है। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल में जाना है हम लोगों को, और यहाँ पर जो चेंजेस करने, अगर आपको ये कैंडल्स नहीं देखने, आपको चाहिए कि भाई मुझे ओरिजिनल कैंडल्स देखने। ठीक है, ये देखिए ओरिजिनल कैंडल, ये ओरिजिनल कैंडल्स अलग है और रिग्रेशन कैंडल्स जो है वो अलग है। तो आपको ओरिजिनल कैंडल देखने, रिग्रेशन कैंडल नहीं देखने, तो आप सिंपल जा करके लिनियर रिग्रेशन कैंडल इसको अनटिक कीजिए, और लिनियर रिग्रेशन कैंडल्स को इसको रेड वाले को अनटिक कीजिए, तो जो ओरिजिनल कैंडल है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मुझे ओरिजिनल कैंडल में जो ये बाय सेल का ये इस तरीके के कैंडल जो चलते हैं उसमें डर लगता है, मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए कि मैं ओरिजिनल कैंडल देखूं, मुझे कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग कैंडल चाहिए, तो आप लिनियर रिग्रेशन कैंडल को ऑन रख सकते हो। मेरे ख्याल से इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, लिनियर रिग्रेशन कैंडल को, तो हम लोग ओरिजिनल कैंडल्स को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चार्ट आपकी तरफ इस तरीके का चार्ट जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, आपको जब भी ये सेलिंग का सिग्नल मिले और लिनियर रिग्रेशन कैंडल के नीचे क्लोजिंग आता हुआ दिखाई दे, तो आपको सिंपल क्या करना है, सेलिंग का ट्रेड लेना है, और उसके पीछे स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसे यहाँ पर सेकंड कैंडल में हम लोगों ने ट्रेड किया, और उसका जो आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है वो स्विंग हाई के ऊपर रखना है। अभी ये निफ्टी है 45 पॉइंट्स का, इसके अंदर स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना वो करीब करीब 1:1, 1:2 के आसपास का होना चाहिए। ये शायद गलत लग चुका है मेरे से। ठीक है, ये लॉन्ग का है, हम लोगों को शॉर्ट की पोजिशन लेनी, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इनिशियल टाइम पे जब आप स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल टाइम के आप टाइम पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर के, या फिर आप गिन सकते हो 100 पॉइंट्स के निफ्टी के फ्यूचर में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स कहाँ पर हो रहे हैं, ये यहाँ पर। तो कभी कभी ये आपको बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो बहुत बड़ा ट्रेंड भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे, आई थिंक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अ सेफेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 98 पॉइंट्स का प्रॉफिट या फिर 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा सेलिंग का। अब बाइंग कहाँ पर करनी है और एग्जिट कहाँ पर करनी है, अभी हम लोग अगर देखने जाए तो कल का ही ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कल के ट्रेंड की बात कर लेते हैं हम लोग। कल मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, मॉर्निंग में, तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। मॉर्निंग से ये गिरा, उसके बाद अमित शाह का स्टेटमेंट आया, सेंटिमेंट्स चेंज हुए, और ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाकर जाता हुआ हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बाइंग का सिग्नल यही मिल गया था। ठीक है, आप देखो बाइंग का सिग्नल यही मिल गया था। ये जो सिग्नल है, पहले सेलिंग हुआ, उसके बाद ये जो बाइंग का सिग्नल मिला है, यहाँ पर सेल का पोजीशन एग्जिट हुआ, जो भी आप ऊपर से नीचे सेल करके ला रहे थे उसका पोजीशन एग्जिट हुआ। उसके बाद हम लोगों को वेट करना है कि कोई पैटर्न बने। ठीक है, तो पैटर्न हम लोगों को दिखा, ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ और ऊपर की तरफ ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को बाइंग का एक ट्रेड लेना था, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहता, उसका भी करीब करीब यहाँ पर पोजीशन जो है वो एग्जिट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिन के एक या दो ट्रेड, तीन ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी का जो कल का न्यूज था वो एग्रेसिव था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और बहुत अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ गया अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद। अब वो न्यूज जो है ना वो फीका हो चुका है, सबको पता चल चुका है, तो इतना मूवमेंट नहीं आया। कल जो होना था वो हो गया, न्यूज का इम्पैक्ट अभी खत्म हो गया। तो अभी मार्केट क्या हो सकता है, पॉजिटिविटी तो है लेकिन बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिविटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट, अभी एक्चुअल रिजल्ट आना बाकी है। तो क्या होगा, साइडवेज टू अप ट्रेंड मार्केट या फिर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मार्केट प्रॉफिट बुकिंग का आता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आज 14 तारीख है, यहाँ पर देखिए 14 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरीके से अभी मार्केट जो है वो करीब करीब साइडवेज टू अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपका व्यू अगर पॉजिटिव है तो आप आउट ऑफ द मनी। देखिए मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, करीब
करीब 21,020 यानी कि 21,100 पर आप क्या कर सकते हो, सॉरी 22,100 पर, 22,100 पर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो पुट आप सेल कर सकते हो और कॉल आप ऊपर का सेल कर सकते हो अगर आपका व्यू जो है वो निगेटिव है, सॉरी आपका व्यू जो है वो साइडवेज है, ठीक है। तो यहाँ पर 22,000 है और 22,050 है, तो मैं क्या करूंगा 22,050 का जो पुट होगा पीई, ठीक है, उसको मैं सेल कर दूंगा। तो ये मार्केट ऊपर नीचे इस तरीके से अगर ट्रेड करेगा तो मुझे अभी प्रॉफिट चल रहा होगा। अगर आपको इसके इस बात पर यकीन नहीं है कि किस तरीके से प्रॉफिट होता है मार्केट में, तो मैं आपको लगा करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट हम लोग लगा लेते हैं और 22,050 का जो पुट है उसको हम लोग लगा लेते हैं। आप देखोगे कि वो प्रॉफिट में है या नहीं है। 22,050 का पुट कहाँ पर है, ये रहा 22,050 का पुट, इसको मैंने लगा लिया, ठीक है। तो मॉर्निंग की ही बात कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ ही हम लोगों को ये चीज करनी थी, ठीक है। तो अभी कहाँ पर हम लोग 14 तारीख की बात कर रहे थे, यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए 14 तारीख की बात कर रहे थे हम लोग, 14 तारीख को ये ऊपर से नीचे इस तरीके से नीचे से ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा था। ये आपका सेलिंग का पॉइंट था, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसी एरिया के पास आने के बाद सपोर्ट पे यहाँ पे इसको पुट को सेल कर देना है, ताकि हमारा व्यू जो है वो पॉजिटिव तो न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, इसका मतलब नीचे ज्यादा गिरेगा नहीं, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लोगों को साइडवेज टू पॉजिटिव का व्यू है, तो हम लोग इसीलिए ये थोड़ा सा 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर रहे थे। उसका प्राइस कहाँ पर चल रहा था, नियर अबाउट यहाँ कहीं पर चल रहा था 96 to 100 रुपीज के अराउंड अराउंड आप इसको सेल कर सकते थे। 120 रुपीज के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर सकते थे यहाँ कहीं पर, ताकि जोर से अगर नीचे गिरे तो हम लोग छोटा सा एसएल दे करके 10-20 रुपए का हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। अभी उसका प्रॉफिट जो है वो करीब करीब आप देखो 9700 रुपीज के पास आपका सेलिंग अगर रहेगा तो उसका प्रॉफिट अभी आपको 50 रुपए के आसपास ये आता हुआ हम लोग को दिखा है। देखिए 50% डीके कर चुका है, मोर देन इनफ है, इंट्रा डे में 50% डीके यानी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 100 रुपए में से 50 रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो 100 रुपए में से 50 रुपए अगर आप 100 क्वांटिटी भी सेल करते हो, ठीक है, जिसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, ठीक है, इतना कैपिटल के पास आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इतना कैपिटल आपके पास होना ही चाहिए, 2 लाख के नियर अबाउट, 2,67,000 बहुत कम कैपिटल है, 3 लाख के अंदर ये कैपिटल आ रहा है। 100 क्वांटिटी में 50 अगर आप सेल करते हो तो कितना प्रॉफिट आता है आपको, सिंपल 5,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। 5,000 का प्रॉफिट इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, वो भी 2.5 लाख के 3 लाख के कैपिटल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये जो है वो आपका करीब करीब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना कैपिटल भी आपको नहीं लगेगा अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी आती है। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वर्सेटाइल ट्रेडिंग है, आप हमेशा ऑप्शन बायर हमेशा ऑप्शन सेलर नहीं हो सकते या फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो सकते, हमेशा मार्केट एक जैसा ट्रेड नहीं करता, मार्केट कहीं ना कहीं बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी इन्वेस्टर के लिए जाएगा, कभी ऑप्शन बायर के लिए, कभी ऑप्शन सेलर के लिए, तो आपको वर्सेटाइल ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। उसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है वर्सेटाइल ट्रेडिंग के लिए, आप अगर देखोगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इक्विटी, स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ठीक है, कैश के अंदर स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर्स, स्विंग ट्रेडिंग इन इंडेक्स निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्जिन, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक फ्यूचर तो निफ्टी फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की सारी ही स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैडल ट्रायंगल आयरन काउंटर ये सब कुछ, और डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, ट्रेंड फॉलोइंग ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको कम्युनिटी बैचेस के अंदर जो है वो सीखने के लिए मिलेगा। और आपको पता है जैसे कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको उसी तरीके का ट्रेडिंग जो है वो सिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, आपको खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जो ट्रेडिंग है वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। अदरवाइज आप रैंडम ट्रेड्स करोगे, कहीं पर भी कुछ भी बाय सेल करोगे, आपका फिक्स लॉसेस होने वाला है। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो जितना मर्जी चाहे कैपिटल लेके आओ, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, सारा का सारा आपका लॉस हो सकता है। बहुत लोगों का लॉस हुआ है, मुझे कई लोग कॉल करके ये चीज बताते हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।